बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया पैदा करे और हमें दूसरों के लिए सानिया पैदा करने वाला बना दे, आमीन जी। तो आज मैं जल्दी में हूँ ज़रा, इसलिए कि मैंने बच्चों को स्कूल भेजना है। आज माशाल्लाह से इनकी नई क्लास का फर्स्ट डे है, और कुमैल जो है उसको वैन में भेजूंगी और आयत को हम लोग बाइक पे लेके जाएंगे, क्योंकि इनकी स्टेशनरी वगैरह जमा करनी है और टीचर से भी मिलना है। तो मैं जल्दी से बच्चों को तैयार कर लूँ ताकि हम लोग लेट ना हो जाएं। आज बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई है, और ये आज फातिमा के लिए लंच बॉक्स। लेट हो रहे थे, इस वक्त तकरीबन टाइम हो रहा है 7:30 का, और जाना जो है वो चला गया है वैन पे। आयत का आज फर्स्ट डे है, और आयत आज माशाल्लाह से रेडी हो गई है। मेरी जान कौन सी आ रही मेरे बेटे को, अल्लाह आपको हमेशा। और यहाँ पर जल्दी जल्दी में मैं हो गई हूँ तैयार, और ये मैंने नया ड्रेस नया स्टिच करवाया वो मैंने डाल लिया है, और लिपस्टिक भी लगा लिया, नेल पर्स भी लगा लिया आयत फातिमा की फरमाइश पे। और आयत फातिमा अब मेरे साथ जाएगी, जाना चला गया, इनकी स्टेशनरी लेनी है, कुछ चीज़ें रह गई हैं। कुछ भी कर लें, जितना भी कर लें, बच्चों का कुछ ना कुछ जो है ना वो रह जाता है। और मैं ये देख रही हूँ कि ये मेरे ड्रेस का कलर जो है ना वो इतना अच्छा नहीं इसमें आ रहा, इसका कलर तो बहुत प्यारा है। बस मैं जल्दी से अलमारी से कुछ पैसे ले लूँ, कुछ चीज़ें लेनी है, तो फिर निकलते हैं। कुबैल के बाबा जो है वो रेडी होके आ गया। कुबैल सुबह हमसे नाराज होके चला गया कि मैंने आप लोगों के साथ जाना है, और आयत फातिमा को हमने छोड़ा। हाँ जी, अलमारी के ऊपर इसका पड़ा हुआ है वो क्रॉन सर पे लेने वाला, जल्दी से ले लो। आयत फातिमा भूल गई हो, जल्दी करें, हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। स्कूल टाइम तो से ज्यादा टाइम हो गया है, 8:10 हो गए, हमें वहां पहुंचना था। और ये रही मेरी ड्रेस की लुक, अब इसका कलर ठीक आ रहा है, वहां नहीं ठीक आ रहा था। आयत फातिमा अपनी दादों से मिलना है, और अब आयत फातिमा जा रही है अपनी नानी से मिलने के लिए। आपको सर्दी लग रही है, इतनी धूप निकली हुई है, देखो सामने सूरज है। आयत फातिमा अभी सही हो जाएगा, चले जल्दी से भाग के नानों से मिलो, अल्लाह हाफिज़ बोलो, दुआ लो। वो मेरी आज फर्स्ट डे है क्लास का। चले शाबाश, जल्दी करें, लेट हो गया हम लोग। मेरी जान, मेरी जान, नानों ने ना रास्ता भी बंद किया हुआ कि जो आए वो गिरे। अस्सलाम वालेकुम तो बोलो जाना। चलो आ जाओ जल्दी से, अल्लाह हाफिज़। हम लोग लेट हो रहे हैं, इसे साथ जा रहे हो? हाँ जी, इसको छोड़ने जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको नेक बनाए और हमेशा खुश रखे। अब आ रहे हैं, आयत और कुमैल को स्कूल में छोड़ दिया है, इनकी स्टेशनरी वगैरह दे दी है, टीचर से मिली, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। जी तो अभी मैं आई हूँ बच्चों के स्कूल से। बच्चों के स्कूल में आज काफी टाइम हो गया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ मीटिंग थी टीचर्स के साथ, और फिर आयत फातिमा को नई टीचर्स के पास छोड़ा है, उसकी क्लास में उसको छोड़ा है, उनकी स्टेशनरी सबमिट करवाई है, कुमैल की टीचर से मिली हूँ, और उसके बाद कुमैल के बाबा को एक काम थे, और ये मैंने ना कुमैल के लिए लेकर आई हूँ ड्रेस। वो कह रहा था जुमा पढ़ने जाता है, उसके पास शलवार कमीज है नहीं, आप लोगों ने भी वीडियो में नोट किया होगा कि शलवार कमीज वो नहीं पहनता, तो ये स्पेशली ना जुमा पढ़ने के लिए ना उसके लिए लेकर आई हूँ। और ये डार्क कलर की इसका ड्रेस है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मैंने कहा कि इंशाल्लाह उसके मैं ना अभी कपड़े ला के ना, बस अब तो रमज़ान मुबारक है, इतना टाइम नहीं होता। तो एक शॉप पे मैं गई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे पास कट पीस नहीं है, तो हम पूरा सूट देंगे, फिर हमारा ना सूट ख़राब हो जाता है। तो मेरी कोशिश थी कि मैंने ना स्टिच करने दूँ, और ये उसके मैंने लिए सैंडल ईद के लिए, सैंडल तो उसके पास बहुत थे, लेकिन वो कह रहा था मुझे न्यू लेके दे, तो फिर ये उसके सैंडल लिए हैं। इसी तरह जब भी जाएँ, रोज़ जाएँ, दूसरे दिन जाएँ, तीसरे दिन जाएँ। और ये नेल पेंट भी मेरे दिनों में लेकर आई थी, अभी इनको मैंने करना है रिमूव, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है। इसी तरह जब भी जाती हूँ कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है, और आज भी बच्चों की कुछ नोटबुक्स रहती थी और उनके कवर रहते थे, मुझे याद नहीं रहा लेके आना, तो घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर रमज़ान में रोज़े के साथ, तो रूटीन कुछ इस तरह की बनी हुई है। तो अभी मैं करती हूँ कपड़े चेंज, और उसके बाद कुछ घर के अपने करती हूँ काम काज, और फिर अब तारीख की तैयारी करेंगे।
आज बहुत दिन के बाद बच्चे स्कूल गए हैं और मैं और भगा इनके चाचू की बेटी हम लोग कब से इधर दरवाजे के पास गली में खड़े हैं उनके इंतज़ार में, उनकी वैन आए तो बच्चों को रिसीव करें। उदास हो गई हूँ मैं तो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी गली में, मौसम तो अच्छा हो रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, मिक्सअप सा मौसम है, कुछ समझ में नहीं आता गर्मियों के कपड़े यूज़ करें या सर्दी के। हारन तो आया वैन का, ये देखो भैया और बहना आ गए, भैया और बहना आ गए, वेलकम भाई। सारी चीजें अपनी देख लो आयत फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसा दिन गुजरा मेरी जान का। ये देखो बहना आपको रिसीव करने के लिए खड़ी है यहाँ, बड़ा कहती थी मैं अपनी बहना को देखूंगी, मैंने इसको उठाया हुआ मेरी जान, मैं कैसे पकड़ूं। बच्चों के लिए आज घर में मैंने दही बड़े बनाए हैं और मैंने दही में सिर्फ ये भलियां डाली है क्योंकि मेरे बच्चों को यही पसंद है और वो कुछ खास पसंद नहीं करते। ये इनके लिए नान मंगवाए हैं, समोसे मंगवाए हैं और ये अम्मी गिनेरियां साथ लेके आई हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आयत फातिमा भी मेरी प्यारी बेटी लंच करेगी, फिर थोड़ी देर अपनी कजन के साथ खेलेगी। कुबैल आपने कपड़े चेंज नहीं किए मेरी जान, कितनी बुरी बात है, चेंज करके आ जाएं आप भी, लंच कर लें फिर आपने ना पढ़ना भी है।